हेलो एवरीवन, आप सभी का जेआईएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग नेक्स्ट कड़ी में आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, उसके अलावा सिलेंडर, पोर्टेबल मशीन के बारे में पढ़ा, SpO2 मेजरमेंट करने वाले पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन मेथड। यदि मेथड की बात करें तो सबसे पहले यहां पर नेजल कैथेटर, देखिए दिया नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला, उसके अलावा वेंचुरी मास और नॉन रीब्रीथर, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड कहलाते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें नेजल कैथेटर का, तो नेजल कैथेटर जो है एक तो नोस्ट्रिल के द्वारा इंसर्ट करते हैं हम, और इसकी लेंथ जो मेजरमेंट करना है फ्रॉम द साइड ऑफ द नोज टू द ट्रगस। देखिए डियर, सिंपली यदि अपन देखा जाए, ये जो है ये ईयर है, ये जो है ये ईयर है, और ये आपका नोज है, ये नोज है। ईयर में जब हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर में जो ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं ट्रगस, इसको बोलते हैं एंटी ट्रगस, ट्रगस और एंटी ट्रगस। दैट मींस ये जो उठा हुआ पोर्शन यहां पर दिख रहा है, दैट पार्ट वी कैन से दैट इज अ ट्रगस, को अपन क्या बोलते हैं, ट्रगस। ट्रगस ट्रगस से लेके नोज के लेटरल, ये आपका नोज है, नोज का ये लेटरल पोर्शन है, ये लेटरल पोर्शन है, या लेटरल पोर्शन लेके ट्रगस तक जितना मेजरमेंट आएगा उतना कैथेटर नोज के द्वारा इंसर्ट करेंगे ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेजल कैथेटर या ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2 थेरेपी बाय द नेजल कैथेटर। तो सिंपली क्वेश्चन बनता है एग्जाम पर्पज ऑफ यू से कि जब नेजल कैथेटर से O2 को एडमिनिस्टर किया जाता है तो कैथेटर को कहां से कहां तक मेजर करते हैं। आई वाज पुटिंग हियर लेंथ फ्रॉम साइड ऑफ द नोज टू द ट्रगस, ये ट्रगस वाला हिस्सा और ये नोज के साइड वाला हिस्सा, इतना पोर्शन जो होगा इसको हम नोज से क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तब ऑक्सीजन कहां पहुंचेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद यदि हम शॉर्टली देखें एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से हम बात करें, इज इंसर्टेड इन टू द नोज अप टू द यूवेला, पूछा जाता है कि जो मेजरमेंट है उससे जब हम कैथेटर को इंसर्ट करेंगे तो ये कैथेटर कहां तक रीच आउट करता है, यूवेला। देखिए हम एक ऑर्गन देखते हैं ऑरल कैविटी में, एक हैंगिंग ऑर्गन होता है जिसको हम यूवेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूवेला। और इस यूवेला का काम है टू प्रिवेंट एंटरिंग ऑफ स्टोमक कंटेंट इन टू द नोज, यूवेला का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट entering of stomach content into nose। जब आपको regurgitation होता है, backflow होता है vomiting के time, तो nose के अंदर stomach content को enter होने से prevent करता है, उस organ का नाम है क्या, uvula, क्या नाम है, uvula। और uvula तक almost क्या होगा, ये catheter reach out करेगा और उसके बाद उसको adhesive tape से क्या कर देना है, फिक्स कर देना। देन माय डियर कैथेटर मस्ट बी चेंज एवरी 8 टू 20 फुट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कि नेजल कैथेटर को कितने टाइम से चेंज करना होता है, एवरी 8 टू 12 आवर इट शुड बी चेंज। आपने कैथेटर को पुट किया नोज में और पुट करने के बाद अगले 8 टू 12 आवर के बाद में कैथेटर को चेंज करना टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, सीधा पूछेंगे नेजल कैथेटर को एक बार एडमिनिस्टर करने के कितने टाइम बाद उस कैथेटर को चेंज करना है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो आपको आंसर क्या लिखना, 8 टू 12 आवर। दैट मींस माय डियर, अब क्वेश्चन ये पूछेंगे कि नेजल कैथेटर के द्वारा जब आप ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हो तो नॉर्मली फ्लो रेट क्या होना चाहिए, मैं हर मेथड की फ्लो रेट आपको बताऊंगा। तो नेजल कैथेटर की जो फ्लो रेट है वो 2 टू 4 लीटर होता है, 2 टू 4 लीटर पर मिनट आप दे सकते हैं, 2 टू 4 लीटर, कुछ बुक्स में 2 टू 6 लीटर भी मिलेगा, 2 टू 6 लीटर भी मिलेगा, बट 2 टू 4 जो एक्यूरेट है, मैक्सिमम हम 6 तक दे सकते हैं, मैक्सिमम 6 तक दे सकते हैं। देन एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हिच इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन हॉस्पिटल, क्वेश्चन ये आएगा कि O2 एडमिनिस्टर करने का मोस्ट कॉमन मेथड हॉस्पिटल में कौन सा यूज करते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना है, नेजल कैथेटर, क्या लिखना है,
नेजल कैथेटर। तो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो पूछेगी नेजल कैथेटर इंसर्ट कहाँ करते हैं, नोस्ट्रिल के द्वारा। दूसरा पूछेगा लेंथ कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं, साइड ऑफ नोज टू लेके ट्रगस तक। उसके बाद पूछिए कौन से ऑर्गन तक पुट किया जाता है, यूएलए तक पुट किया जाता है। कैथेटर को चेंज कितने टाइम के बाद करना चाहिए, 8 to 12 आवर के बाद। फ्लो रेट क्या होना चाहिए, 2 to 4 लीटर पर मिनट। और हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन यूजेबल मेथड आपसे एग्जाम में पूछे तो आप आंसर लिखना नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर और नेजल कैनुला दोनों पुट करते हैं, नेजल कैथेटर नेजल कैनुला। तो नेजल कैनुला और कैथेटर को कंपेयर करेंगे तो कैथेटर को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद नेजल कैनुला। ओके माय डियर, यदि हम बात करें कि एग्जाम में इमेज दिया हो और इमेज को देख के आपको पता लगाना होता है कि कौन सा मेथड ओ2 एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैंने इमेज भी पुट किया है, आप इमेज को देखिएगा। देखिए इस तरीके का ऑर्गन, सॉरी इस तरीके का डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कैथेटर। ये वो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है जो नोज में इंसर्ट करते हैं, नोस्ट्रिल में जो पुट करते हैं वो ये हिस्सा है। और ये जो पार्ट है जिसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। पुट करने के बाद में इस तरीके से फिक्स किया जाता है, ये बेबी है इसमें पुट किया है, नोस्ट्रिल में पुट किया। पुट करने के बाद में एक्चुअली इसको पुट फिक्स कहां करते हैं अपन, नोज के ऊपर। कहां पुट फिक्स करते हैं, नोज के ऊपर। तो दैट इज अ नेजल कैथेटर, दिस इज अ नेजल कैथेटर। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं मेथड बताऊंगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा एम्स दिल्ली ने, एम्स जोधपुर ने इस क्वेश्चन को बार बार पूछा है, जो नेजल कैनुला में पूछा जाता है। जैसे मैंने पुट किया है नेजल कैनुला, और अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, नेजल प्रॉन्ज। क्या बोलते हैं, नेजल प्रॉन्ज। एग्जाम में पूछा जाता है कि नेजल प्रॉन्ज किसको कहते हैं, तो दैट बिकॉज़ नेजल कैनुला को नेजल प्रॉन्ज कहते हैं। दूसरा, ये डिस्पोजेबल होता है, ये डिस्पोजेबल होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद में डिस्पोज कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल। क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल। दूसरा, नेजल कैनुला प्रॉन्ज की बात करें उसमें दो कैनुला होते हैं, कितने कैनुला होते हैं, दो कैनुला होते हैं, कितने कैनुला होते हैं, दो कैनुला। और इन जो कैनुला होते हैं दो, इन कैनुला की लंबाई की हम बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। देखिए इस तरीके से होगा, ये नेजल प्रॉन्ज होगा, ये नेजल प्रॉन्ज होगा, लाइक दैट। इस तरीके से हम लोग फिक्स करते हैं, ये जो प्रॉन्ज की लंबाई है ये 1.5 सेंटीमीटर, कितना 1.5 सेंटीमीटर है, जो दोनों नोस्ट्रिल के अंदर इंसर्ट की जाती है। देन इसका जो फ्लो रेट है, इसको हम लो मीडियम फ्लो रेट कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें मैंने पुट किया 24 to 44% मिनिमम 24% ओटो डिलीवर होता है, मैक्सिमम 44% डिलीवर होता है। और फ्लो रेट की बात करें तो डियर यहां पर 1 to 6 लीटर पर मिनट, 1 to 6 लीटर पर मिनट। कैथेटर में 1 to 4 था और नेजल कैनुला में 1 to 6 लीटर पर मिनट, 1 to 6 लीटर पर मिनट। ये फ्लो रेट है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि नेजल कैनुला के द्वारा कितना O2 एडमिनिस्टर किया जा सकता है, तो आपको आंसर लिखना है 1 to 6 लीटर। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, यहां मैंने 24 to 44% बोला है। देखिए 1 लीटर जब आप एडमिनिस्टर करोगे तो पेशेंट को 24% क्या मिलेगा, O2 मिलेगा 24%। वही यदि हम 2 लीटर यदि स्टार्ट करते हैं, 2 लीटर स्टार्ट करते हैं तो 28% मिलेगा O2। देखिए डियर 1 लीटर बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है। यदि हम यहां पर 3 लीटर स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट को 32% O2 मिलेगा। यदि हम 4 लीटर पर मिनट स्टार्ट करते हैं तो 36% O2 मिलेगा। यदि 5 लीटर पर मिनट स्टार्ट करते हैं तो 40% O2 मिलेगा। और माय डियर यदि 6 लीटर स्टार्ट करते हैं तो 44% O2 मिलेगा। तो मिनिमम कितना होगा 24 और मैक्सिमम कितना होगा 44, मिनिमम 24 मैक्सिमम 44। आपको दोनों फॉर्म में पूछा जा सकता है, परसेंटेज में और कभी कभी लीटर में। दूसरा, नेवर डिलीवर मोर देन 2 to 3 लीटर टू क्लाइंट विद द क्रॉनिक लंग डिजीज। देखिए डियर, सीओपीडी का पेशेंट हो या क्रॉनिक लंग डिसऑर्डर का पेशेंट हो, इन कंडीशन में कभी भी हाई
फ्लो टू डिलीवर नहीं करते हैं। मैं रीजन बताऊंगा क्यों नहीं करते, आई फ्लो नहीं करते हैं। याद रखिएगा सीओपीडी वाले पेशेंट को डज नॉट एडमिनिस्टर मोर देन 2 लीटर पर मिनट। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नेजल कैनुला से सीओपीडी वाले पेशेंट को कितना O2 एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो माय डियर आपको आंसर लिखना है लेस देन 2 लीटर, लेस देन 2 लीटर, 2 लीटर से कम ही एडमिनिस्टर करना है सीओपीडी वाले पेशेंट को। इवन माय डियर एमआई वाले पेशेंट को आप कर सकते हो, एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, बट सीओपीडी वाले पेशेंट को नॉट मोर देन 2 लीटर। अब एक चीज मैंने यहां पुट किया है कि अपन सीओपीडी वाले या रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर वाले पेशेंट को जब भी O2 एडमिनिस्टर करेंगे तो नॉट मोर देन 2 लीटर। क्यों? देखिए एक रीजन है यहां पर, ए क्लाइंट हु इज अ हाइपोक्सेमिक और क्रॉनिक हाइपरकैपनिया। देखिए हाइपरकैपनिया का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज CO2, मैंने बताया था डिक्रीज CO2 हाइपोकैपनिया, इंक्रीज CO2 हाइपरकैपनिया। हाइपरकैपनिक पेशेंट है या हाइपोक्सिया का पेशेंट है उनको कैसा लेवल चाहिए, लो लेवल O2 चाहिए। कैसा लेवल चाहिए, लो लेवल O2 चाहिए। क्यों लो लेवल चाहिए, 1 to 2 लीटर देयर बिकॉज लो आर्टेरियल ऑक्सीजन लेवल इज क्लाइंट प्राइमरी ड्राइव फॉर द ब्रीथिंग। पेशेंट कैन नॉट एबल टू अडॉप्ट मोर देन 2 लीटर, द पेशेंट कैन नॉट हैविंग कैपेबिलिटी टू टॉलरेट मोर देन 2 लीटर। तो आपको क्या देना है, 2 लीटर और लेस देन 2 लीटर, क्योंकि पेशेंट कैन नॉट एबल टू टॉलरेट। ये स्पेसिफिक रीजन है कि हम पेशेंट को नेजल कैनुला से 2 लीटर से ज्यादा O2 नहीं देते हैं सीओपीडी वाले में। अब इसका इमेज एग्जाम आने लगे आजकल, इमेज कैसा आएगा देखिए डियर, मैंने यहां पुट किया है ये जो 2 प्रॉन्स दिख रहा है ये नेजल प्रॉन्स है जो मैंने बताया था नोज में पुट करते हैं। ये जो ट्यूब्स दिख रहा है ये कंप्लीट क्या नेजल कैनुला, नेजल कैनुला। देन दूसरी पिक्चर में मैंने पुट किया है नेजल कैनुला पुट करने का तरीका। देखिए क्या होता है हॉस्पिटल हम लोग कॉमनली क्या करते हैं, प्रॉन्स को नोज में पुट करते हैं, ईयर के ऊपर से लेते हैं और गर्दन के पीछे फिक्स कर देते हैं। नेवर डू, फिक्स कहां करना है, फ्रंट ऑफ द नेक। गर्दन के पीछे फिक्स करेंगे तो पेशेंट कैन नॉट एबल टू फील कंफर्ट, तो कहां पुट करना, फ्रंट ऑफ द नेक। ये तरीका होता है इसको लगाने का, कान के ऊपर से लिया दोनों तरफ से, फ्रंट ऑफ द नेक फिक्स किया, प्रॉन्स को किसमें डाला, नोज में पुट किया, और दैट इज अ नेजल कैनुला और वी कैन से नेजल प्रॉन्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। 1 to 6 लीटर पर मिनट O2 दे सकते हैं, 24 to 44% O2 पर मिनट एडमिनिस्टर किया जा सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। सीओपीडी वाले को 2 लीटर से ज्यादा नहीं देते, एमआई वाले में यूज कर सकते हैं, इवन माय डियर एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है O2 फेस मास्क, मैं आपको यहां पर वेंचुरी मास्क भी बताऊंगा, नॉन रिब्रिथ्रो ब्रिथ्र मास्क भी पढ़ेंगे। फेस मास्क, फेस मास्क में मैंने यहां पर जो पुट किया सिंपल फेस मास्क, mask is fitted carefully to the patient face to avoid leakage of oxygen and should be comfortably placed but not tight against face, tightly put nahi karna hai, aur yahan jo maine put kiya hai wo simple mask hai, kaun sa mask hai, simple mask, simple mask ka flow rate hai 4 to 8 liter, maximum aap 10 liter tak de sakte ho, 10 liter tak de sakte ho, but average jo hai 4 to 8 liter per minute put kiya jata hai, aur ye question aata hai ki emergency mein, इमरजेंसी में या शॉर्ट टर्म में कौन सा मेथड ऑफ O2 एडमिनिस्ट्रेशन यूज करते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना है, सिंपल मास्क या O2 फेस मास्क। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा यहां पर ओपनिंग दिख रही होगी, ये एक्सहेलेशन पोर्ट है, जब आप CO2 को एक्सहेल आउट करेंगे तो इस पोर्ट के द्वारा एक्सहेल आउट होगी। ये दिख रहा है ये मास्क है, नोज और माउथ दोनों को कवर करता है, ये जो दिख रहा है ऑक्सीजन सप्लाई है, ये जो दिख रहा है ये O2 सप्लाई है, और ये जो दिख रहा है ये मेटल पीस होता है जो नोज पे टाइट करता है, मेटल पीस है, मास्क है, ये जो ओपनिंग दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन पोर्ट बोलते हैं, और ये जो लाइनिंग दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, O2 कनेक्शन या O2 कनेक्टिंग ट्यूब। इस तरीके से आपको दिखने पर लगेगा दैट इज अ सिंपल फेस मास्क, क्या है, सिंपल फेस मास्क। O2 कितना एडमिनिस्टर कर रहे हैं हम लोग, 4 to
एट लीटर। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहां पर जो एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया था नेजल कैनुला और नेजल प्रॉन्स में 24-44% डिलीवर कर सकते हैं। यदि आपसे पूछे सिंपल मास्क के द्वारा कितना डिलीवर किया जा सकता है इन परसेंटेज, एक टर्म्स लिखा है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2। देखिए फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 का मतलब होता है जब हम इंस्पायरेशन करते हैं उस समय परसेंट ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं। द डिलीवर थ्रू द सिंपल मास्क, देन माय डियर यदि हम 5 लीटर पर मिनट देंगे तो पेशेंट को कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलेगा 40। वही माय डियर यदि हम 6 लीटर पर मिनट देंगे तो 45-50% मिलेगा। वही माय डियर यदि हम 8 लीटर पर मिनट देंगे तो 55-60% O2 मिलेगा। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा परसेंटेज में और कभी कभी आपसे लीटर में। फ्लो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई करते वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट मीन्स माय डियर 40-60 आप मान सकते हो, 40-60% पर मिनट O2 हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसके द्वारा, सिंपल मास्क के द्वारा, किसके द्वारा, सिंपल मास्क के द्वारा। नेक्स्ट मेथड की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट अपना मेथड है ऑक्सीजन हुड मेथड। देखिए डियर हुड मेथड इंपॉर्टेंट मेथड, ऑक्सीजन हुड मेथड जो है इसमें हम देखते हैं स्मॉल बॉक्स होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, शेप कैसा होता है डॉम शेप। देखिए इस तरीके का एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स होगा, यहां पर एक ओपनिंग होगी, ये पेशेंट का बेड है, बेबी का जो हेड होगा यहां से इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में पुट करेंगे और इस बॉक्स के जो टॉप लेवल होगा, इस बॉक्स का जो टॉप लेवल होता है वहां से हम इसको डिलीवर करेंगे ऑक्सीजन को, और बॉटम जो लेवल होगा वहां से बेबी का हेड जो है इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर फिट करते हैं और टॉप ऑफ द बॉडी, टॉप ऑफ द बॉक्स के ऊपर O2 को डिलीवर करेंगे। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हुड मेथड। देन स्पेसिफिकेशन क्या है, एंटर एट द अपरेटस टॉप ऑफ द बॉक्स, जैसे मैंने बताया बॉक्स के टॉप से ऑक्सीजन को एंटर करवाना है। देन माय डियर दिस डिवाइस इज सुटेबल फॉर द इन्फेंट। देखिए इन्फेंट का मतलब होता है 1 month to 1 year का जो बेबी है उसको हम क्या बोलते हैं इन्फेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फेंट में O2 एडमिनिस्टर करने का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, तो आपको क्या लिखना है ऑक्सीजन हुड मेथड। फिर पूछेंगे कि ऑक्सीजन हुड मेथड का फ्लो रेट क्या है, 2 लीटर पर मिनट। कहां से डिलीवर करते हैं, टॉप ऑफ द बॉक्स। कहां से डिलीवर करते हैं, टॉप ऑफ द बॉक्स। अब पूछते हैं कि जब पेशेंट को ऑक्सीजन हुड मेथड के द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है तो बेबी को कौन सी पोजीशन में पुट किया जाता है, क्लियरली पुट किया, प्लेस द चाइल्ड इनसाइड द ब्लड इनसाइड द हुड इन अ सेमी फाउलर और लेट। देखिए डियर यदि पेशेंट को हम 30-45 degree एंगल पे जो पोजीशन देते हैं इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी फाउलर। क्या बोलते हैं, सेमी फाउलर, या फिर हम लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। That is the oxygen hood method. Simply the most common usable method in the infant. Transparent box होता है, box के top से O2 को deliver करते हैं। याद रखना मैं आपको बताऊंगा इसी method के द्वारा बच्चे को retrolental fibroplasia हो सकते हैं preterm baby में, preterm newborn है, preterm baby में। Later I will discuss in complication. यदि image की बात करें, जब आप image को देखोगे इस तरीके से आपको oxygen hood method देखेगा। देखिए baby जो है, बेबी जो है यहां पर ऑलमोस्ट आप देखोगे लिटिल बिट अप है, सेमी फाउलर पोजीशन है या लेटर में पुट कर सकते हैं। बेबी का जो अप टू द नेक है वो पोर्शन किसमें, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, और यहां से हम क्या डिलीवर करें O2, क्या डिलीवर करें O2। ट्रांसपेरेंट क्यों है, बेबी के फर्दर मूवमेंट को देख सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। इस मेथड का नाम क्या है, ऑक्सीजन हुड मेथड, ऑक्सीजन हुड मेथड। ओके फाइन, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, ऑक्सीजन टेंट मेथड। देखिए डियर टेंट के नाम से पता चल रहा होगा, आपने देखा कैनोपी, आप जब देखते हो मार्केट में जाते हो अलग अलग कंपनीज की सिम बेचने वाले रोड के किनारे बैठे होते हैं तो छतरी लगी होती है उसको कैनोपी बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से आपने गर्मियों में मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी को ओढ़ते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं टेंट लगा लेते हैं। उस मेथड का नाम है ऑक्सीजन टेंट मेथड। अभी इसका यूज इतना नहीं है बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
ऑक्सिलरी टेंट मेथड की जैसे बात करें अपन, एक कैनोपी ओवर द पेशेंट बेड दैट मे कवर फुल्ली और पार्शियली द पेशेंट एंड इज कनेक्टेड टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, पेशेंट का बेड लगा है, बेड पे पेशेंट लेटा हुआ है और पूरे पेशेंट के बेड को कवर किया होता है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ कैनोपी। क्या बोलते हैं, कैनोपी। इस मेथड को हम बोलते हैं ऑक्सीजन टेंट मेथड। इसमें कुछ वेरिएशंस है, कैनोपी शुड बी ट्रांसपेरेंट। अभी मैंने आपको बताया था हुड मेथड में भी हुड क्या ट्रांसपेरेंट है, कैनोपी भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देन डियर फ्लो रेट 8 to 10 liters, फ्लो रेट जो है इसका 8 से 10 लीटर होना चाहिए। देन इमेज यदि मैं आपको पुट करूं, यू कैन सी एवरीवन, दिस इज द ऑक्सीजन टेंट मेथड। इसमें आप देखेंगे ये जो दिख रहा है ये पेशेंट, ये जो दिख रहा है ये कैनोपी, इधर आपका O2 सिलेंडर रखा हुआ है, पेशेंट इज ऑन बेड है, O2 डिलीवर किया जा रहा है इनटू द कैनोपी, अंदर कौन लेटा हुआ, पेशेंट। यदि बर्न पेशेंट है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, बट इट्स वेरी रेयर यूज इन कमिंग जनरेशन। बाकी पहले इसका बहुत यूज किया जाता था। इस मेथड का नाम है ऑक्सीजन टेंट मेथड। ओके फाइन, नेक्स्ट आता है एक और इंपॉर्टेंट मेथड की हम बात करेंगे, वेंचुरी मास्क, या इसको वेंटी मास्क बोलते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। याद रखना नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला, उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन आता है, वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क की जब बात करें तो वेंचुरी डिजाइन ए मेथड ऑफ इंक्रीजिंग टोटल ऑक्सीजन फ्लो फ्रॉम एंड ऑफ द ट्यूब बाय फिटिंग ए मच स्मॉलर फ्लो ऑफ गैस इनटू द स्टार्ट ऑफ ट्यूब। क्या होगा, सपोज ये पेशेंट है, ये पेशेंट का आईज है, ये पेशेंट का नोज है, आपने पेशेंट को O2 एडमिनिस्टर किया तो मास्क लगाया और मास्क से कनेक्टेड ट्यूब होगा, उस डिवाइस का नाम है वेंचुरी डिवाइस। क्या नाम इसको बोलते हैं, वेंचुरी डिवाइस। और वेंचुरी डिवाइस एक तो क्या करेगी, 100% O2 डिलीवर करेगी, 100% जितना आपने एडमिनिस्टर किया उतना पूरा ऑक्सीजन जाएगा। दूसरा, ये जो वेंचुरी डिवाइस होती है ये नैरो होती है, जो फ्लो रेट आएगा ऑक्सीजन का, जो फ्लो रेट आएगा उस फ्लो रेट को और प्रेशर क्रिएट करेगी। यदि ट्यूब का डायामीटर देखेंगे, यदि ये पेशेंट का O2 सप्लाई का ट्यूब है और ये वेंचुरी डिवाइस का ट्यूब है, यहां जो प्रेशर होगा उससे इस ट्यूब का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका डायामीटर ज्यादा है। जब इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो पूरे प्रेशर के साथ O2 जाएगी और सीधी कहां पहुंचेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो ये O2 को रेगुलेट करता है, O2 को क्या करता है, रेगुलेट करता है और ये मैक्सिमम O2 डिलीवर करने में मदद करता है। द डिवाइस बी कैन से वेंचुरी मास्क। देन माय डियर फ्लो रेट इसका जो है 3 to 15 liters per minute। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से, क्वेश्चन ये बनेगा कि COPD वाले पेशेंट का O2 एडमिनिस्टर करने का बेस्ट मेथड कौन सा। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि COPD का पेशेंट है और COPD वाले पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है तो बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, वेंचुरी मास्क। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया इसका नॉर्मल फ्लो रेट कितना, 3 to 15। लास्ट मैंने नेजल प्रॉन्ज में क्या बताया, COPD वाला पेशेंट ज्यादा अमाउंट में हाई फ्लो में O2 को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वेंचुरी मास्क के द्वारा जब हम O2 देंगे COPD वाले पेशेंट को तो माय डियर लेस देन 4 liters per minute ये इसका फ्लो रेट होगा। कब, जब COPD वाले पेशेंट को वेंचुरी मास्क के द्वारा हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे तो O2 कितना होगा, लेस देन 4 liters per minute। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बेस्ट मेथड टू एडमिनिस्टर O2 इन COPD, तो आपको आंसर लिखना वेंचुरी मास्क। फ्लो रेट पूछे लेस देन 4 liters, नॉर्मली कितना होता है 3 to 15। यदि वहां पर वेंचुरी मास्क ऑप्शन नहीं है तो आपको नेजल कैनुला लिखना है। क्या लिखना है, नेजल कैनुला। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल क्या है ये जो O2 एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड वेंचुरी मास्क है, इसमें कलर कोड आने लगे और कलर के हिसाब से फ्लो रेट होता है, तो
तो आपको मैं कलर कोड और उस पे कितना लीटर पर मिनट हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. नाउ शॉर्टली वी आर गोइंग टू सी. एक तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है O2 एडमिनिस्ट्रेशन करने का. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि O2 एडमिनिस्ट्रेशन करने का मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है. तो आपको आंसर लिखना है वेंचुरी मास्क. उसके अलावा यू शुड बी प्रोवाइड विद द कलर कोडिंग. मैंने जैसे बताया था कैनुला देखते हैं, कैनुला जितने गॉज का उस हिसाब से कलर आता है. सक्शन कैथेटर के कलर कोड्स आते हैं. यदि हम बात करें O2 एडमिनिस्ट्रेशन में वेंचुरी मास्क इसके भी कलर कोड्स आते हैं. कलर कोड के हिसाब से फ्लो रेट डिसाइड होता है. मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसमें आप कलर कोड को याद कर सकते हैं. देखिए डियर, कलर सेट अडॉप्टर इसमें मैंने पुट किया है ब्लू कलर, फ्लो रेट 2 लीटर, परसेंटेज 24, व्हाइट कलर फ्लो रेट 4 लीटर, परसेंटेज 28, ऑरेंज 6 लीटर पर मिनट, परसेंटेज 31, येलो 8 लीटर पर मिनट 35%, रेड 10 लीटर पर मिनट 40%, अगेन ग्रीन 15 लीटर पर मिनट 60%. अब ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, देखिए कलर कोड पे क्वेश्चन बन सकते एग्जाम में. ट्रिक्स क्या कहती है, बारात वाले ऑरेंज, येलो, रेड गाड़ी लेकर आए. आजकल वैसे बारातों का परमिशन नहीं है जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, बट यंग यूथ का इच्छा होती है अलग अलग कलर की गाड़ी में बारातियों को लेके जाए. तो याद रखना है बारात, बारात बी से याद रखना, ब्लू वाले, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड गाड़ी, जी से याद रखना ग्रीन गाड़ी लेकर आए. दूसरा कैसे याद रखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 लास्ट वाली रीडिंग बन रहा, दो दो का गैप है, 2, 4, 6, 8, 10 और लास्ट में क्या 15. तो सिंपली बारात वाले ऑरेंज, येलो, रेड गाड़ी, बी से दैट इज अ ब्लू वाले, डब्ल्यू से व्हाइट, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, आर से रेड, जी से ग्रीन. यहां 24, 28, 31, 35, 40 और 60 ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में फ्लो रेट पूछा जाता है पर्टिकुलर कलर का कि कौन से कलर में कितना फ्लोरेट एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है. मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा वेंचुरी डिवाइस का. तो ये कौन सा मेथड था, वेंचुरी मेथड. अब आप देखेंगे वेंचुरी मास्क को, इस तरीके का मास्क है ये आपका मास्क, सिंपल मास्क है ये जो दिख रहा है, ये वेंचुरी डिवाइस है. अलग अलग कलर कोडिंग है जैसे मैंने पुट किया 24 से 28 है. ये वेंचुरी जो डिवाइस होती है इनको हम मास्क के फ्रंट में पुट करते हैं और इस डिवाइस से किसको कनेक्ट करते हैं, O2 सप्लाई. डिवाइस को किसको कनेक्ट करते हैं, O2 सप्लाई. और द डिवाइस विल इंडिकेटिंग वेंचुरी मास्क इज द बेस्ट मेथड टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द COPD. नॉर्मली 3 to 15 लीटर आप दे सकते हो, COPD वाले को लेस देन 4 लीटर. तो दैट इज अ वेंचुरी डिवाइस, दैट इज अ वेंचुरी मास्क. सिंपल मास्क आपको मैंने बताया था उसके अंदर ये डिवाइस नहीं थी, और वेंचुरी मास्क में सिंपल मास्क का ये डिवाइस है. दैट इज अ डिफरेंस, दैट इज अ डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट देख रहे हम पार्शियल रीब्रेथर. देखिए पार्शियल रीब्रेथर और एक दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन रीब्रेथर, दोनों इंपॉर्टेंट है. या मास्क की डिजाइन में वेरिएशन होगा और एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन भी हम आपको यहां पर डिस्कस करेंगे. पार्शियल रीब्रेथर जो मास्क है इसका इमेज भी मैंने दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ मास्क विद ए रिजर्वायर बैग. देखिए ये जो दिख रहा है इसको हम रिजर्वायर बैग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बैग. यहां पर जो दिख रहा है ये मास्क है, ये जो दिख रहा है ये ट्यूब है. क्या है, ट्यूब. रिजर्वायर का मतलब होता है टेम्पररी स्टोर करना, जिसे हम लोग नहीं कहते हैं रिजर्वायर ऑफ बाइल, गॉल ब्लैडर, रिजर्वायर ऑफ स्टूल, सिग्मोइड कॉलन, रिजर्वायर ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर. ये आपके बॉडी में कुछ रिजर्वायर्स होते हैं. मास्क के साथ क्या लिखा, रिजर्वायर. दूसरा भी लिखा है फेस मास्क विथ 1 2-way wall. देखिए इसमें फेस मास्क तो है उसके साथ में टू वे वॉल्स का मतलब होता है एक से बाहर जाएगा एक से अंदर आएगा.
O2 कंसंट्रेशन यहां पर 70-90% है, मतलब जितने भी हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड पढ़े हैं, वेंट्रल मास में 60% तक पढ़ा, नेजल कैनुला में 44% तक पढ़ा, उससे थोड़ा ज्यादा हमने देखा पार्शियल रिब्रीथर मास्क। देन माय डियर, फ्लो रेट 6-15 लीटर पर मिनट, 6-15 लीटर पर मिनट आप O2 दे सकते हो पार्शियल रिब्रीथर मास्क के द्वारा। Then client rebreathe 1/3 of exhal tidal volume. अब रिजर्वायर में क्या होगा, जब आप एक्सल आउट करेंगे, जब आप CO2 को छोड़ेंगे, एक्सल करते समय भी लिटिल बिट O2 निकलेगा, वो किसमें रिजर्वायर होगा, रिजर्वायर बैक में, उसको आप 1/3 पोर्शन, 1/3 वॉल्यूम जो होगा उसको वापस रिब्रीथ कर सकते हो। देखिए टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली 500 ml होता है, कितना होता है 500 ml, तो ये स्पेसिफिकेशन इसका, दैट्स अ पार्शियल रिब्रीथर मास्क। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो एक और इंपॉर्टेंट है, नॉन रिब्रीथर। मैं बताना चाहूंगा इस पे 2-3 बार एमसीक्यू पूछा जा चुका है नॉन रिब्रीथर पे, क्वेश्चन क्या पूछा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका भी फ्लो रेट जो है 10-15 लीटर पर मिनट है। दूसरा, ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, कि विच मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ O2, वहां पर अलग अलग ऑप्शन होगा, सबसे ज्यादा प्रतिशत O2 डिलीवर करने वाला O2 मेथड, उसका नाम क्या होगा, नॉन रिब्रीथर। क्या है, नॉन रिब्रीथर। देन माय डियर, मोर देन 100%, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम O2 डिलीवर करने वाले मेथड का नाम क्या है, नॉन रिब्रीथर। पीजीआई चंडीगढ़ पूछ चुका है, जीएमसीएच पूछ चुका है, सफदरजंग पूछ चुका है, एम्स पूछ चुका है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम O2 डिलीवर करने वाला जो मेथड होता है वो कौन सा मेथड है, आपको सीधा आंसर क्या लिखना, नॉन रिब्रीथर। दूसरा माइडिया, यूज द क्लाइंट हु माइट रिक्वायर इंक्यूबेशन, ये ज्यादातर उन पेशेंट में यूज करते हैं जिनको इंक्यूबेट की जरूरत होती है, कार्डिक अरेस्ट हो गया, पेशेंट कैन नॉट एबल टू टेक ब्रीथ, तो इंट्यूबेट करते हैं विद द ईटी ट्यूब, उस समय हम इस मेथड का यूज करते हैं, दैट इज अ नॉन रिब्रीथर मास्क। देन डियर, इमेज भी मैंने पुट किया है, हियर यू कैन सी, अभी आपने रिब्रीथर देखा, ये नॉन रिब्रीथर हैज वन वे वॉल, वहां क्या था टू वे, वहां क्या था टू वे, वन वे वॉल बिटवीन मास्क एंड रिजर्वायर एंड टू फ्लेम ओवर द एक्सलेशन पॉइंट। यहां मैंने पुट किया है, ये डिफ्लेक्ट है जब आप एक्सलेशन करोगे, या इनफ्लेट है जब आप क्या करोगे, एक्सलेशन करोगे, दोनों में वेरिएशन है, ये सांस को छोड़ते समय, ये सांस को लेते समय, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें वन वे वॉल है, उसमें क्या था टू वे, इसमें टू साल में क्या फ्लैप है, किसके लिए, एक्सलेशन के लिए। देन माय डियर, वॉल अलाउ क्लाइंट टू ड्रॉ एंटायर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिजर्वायर, कितना था 1/3 टाइडल वॉल्यूम, या पूरा ऑक्सीजन वापस क्या हो जाएगा, इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन माय डियर, फ्लैप प्रिवेंट रूम एयर फ्रॉम द एंट्रिंग टू द एक्सलेशन पोर्ट, ये जो फ्लैप की बात मैंने की, दो फ्लैप है, ये क्या करेगा, आपके रूम के एयर को मास्क में एंटर होने से प्रिवेंट करने का काम करेगा, इसलिए इसमें दो फ्लैप होता है, और दो फ्लैप के अलावा दैट विल बी वन वे क्या होगा, वॉल होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट एक टी पीस आता है, कभी कभी टी पीस के बारे में पूछते हैं, टी पीस जो है हमेशा कहां यूज करते हैं, यूज ऑन एंड ऑफ द ईटी ट्यूब, यहां पर इमेज भी दिया है, ये जो दिख रहा है ये ईटी ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब का मतलब एंडोट्रैकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब को टी पीस से कनेक्ट किया है, क्योंकि इसमें दो चीजें एक साथ कर सकते हैं, एक को हम कहां कनेक्ट कर सकते हैं, एक को हम नेबुलाइजेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, O2 से कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो पार्ट होगा जिसको हम एम्बू बैग से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये भी किसमें यूज करते हैं, जब पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं उस समय हम टी पेस का यूज करते हैं, प्रोवाइड गुड ह्यूमिडिटी, गुड ह्यूमिडिटी का रोल प्ले करती है, तो सम सिंपल वर्ड वी कैन से टी पीस। ओके फाइन, अब बात आती है साइड इफेक्ट की, ऑक्सीजन थेरेपी किसी पेशेंट को दी जा रही है तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, मैंने यहां पर अलग अलग 2-3 कॉम्प्लिकेशन पुट किया है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज ऑफ यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने पुट किया ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, देखिए किसी भी सब्सटेंस को
रिक्वायरमेंट से ज्यादा जब हम लेते हैं तो एक्सेस हो जाता है। यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जितना है उससे ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी। और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा, सेलुलर इंजरी ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा ड्यू टू द रिलीज ऑफ टॉक्सिक फ्री रेडिकल। जब ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे तो क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन टॉक्सिटी वाले रेडिकल रिलीज होंगे और रेडिकल सेल पे जाएंगे और सेल को डैमेज करेंगे। और किसके सेल को डैमेज करेंगे, लंग्स के सेल को। दूसरा, यदि आपने हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिलीवर किया मोर देन 30 डेज तक, दैट कैन कॉज रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। माय डियर, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया किसका कॉम्प्लिकेशन, O2 थेरेपी। रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया कॉमनली किसको होता है, न्यूबॉर्न। किसको होता है, न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का मतलब होता है 0 से 7 डेज। और न्यूबॉर्न भी कैसा, प्रीमैच्योर। प्रीमैच्योर का मतलब टाइम से पहले। न्यूबॉर्न का टाइम होता है 0 से 7 डेज का। और न्यूबॉर्न कौन सा होगा, प्रीमैच्योर। प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न में यदि आप पेशेंट को O2 एडमिनिस्टर करते हो तो रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया हो सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू जस्ट इमीडिएट बिहाइंड द लेंस लीडिंग टू द ब्लाइंडनेस। जैसे ये आपका लेंस है, लेंस के बिहाइंड में टिश्यूज में क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस होने की वजह से विजन क्या हो जाएगा, लॉस। विजन क्या हो जाएगा, लॉस। और दैट कंडीशन वी कैन से रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। और रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया मैंने आपको मेथड बताया था, ऑक्सीजन हुड मेथड, उसमें होने के कॉमनली चांस होते हैं। जब भी पेशेंट को ऑक्सीजन हुड मेथड यूज करते हैं तो आई को क्लोज किया जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। उसके अलावा एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है कॉलेप्स्ड। एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है कॉलेप्स्ड ऑफ लंग्स, कॉलेप्स्ड ऑफ लंग्स। दैट इज एटेलेक्टेसिस, दैट इज एटेलेक्टेसिस इज द मीनिंग ऑफ एटेलेक्टेसिस। तो माय डियर, ये तो था सिंपल आपका O2 थेरेपी। O2 थेरेपी के बाद में मेथड कौन सा, O2 थेरेपी का मेथड के बाद में कॉम्प्लिकेशन। शॉर्टली मैं बताना चाहूंगा कुछ और गैसेस है जिसपे MCQ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं क्या क्या और हो सकता है। जैसे यहां मैंने पुट किया नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए डियर, नाइट्रस ऑक्साइड जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, तो आपको आंसर क्या देना, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा, नाइट्रस ऑक्साइड गैस के सिलेंडर का कलर पूछा जाता है ब्लू कलर। मैंने यहां इमेज भी दिया है, ये कौन सा सिलेंडर है, नाइट्रस ऑक्साइड। याद होगा मैंने आपको बताया था O2 सिलेंडर, ब्लैक बॉडी व्हाइट नेक। वही आपको पूछेंगे नाइट्रस ऑक्साइड तो आपको बोला ब्लू कलर। और नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज एनाल्जेसिक के फॉर्म में, एनेस्थेटिक फॉर्म में, स्पेशली प्री ऑपरेटिव कंडीशन में हम यूज करते हैं, प्री ऑपरेटिव कंडीशन। तो यहां दो क्वेश्चन बनते हैं, एक लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा पूछेंगे कि कलर कैसा होगा सिलेंडर का, तो आपको क्या बताना है, ब्लू। और दो पर्पज है, एनाल्जेसिक फॉर्म और एनेस्थेटिक फॉर्म में। एक और गैस यहां पर मैंने पुट किया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज है क्रायोसर्जरी। और क्रायोसर्जरी किसमें करते हैं हम लोग, RD का मतलब है रेटाइनल, रेटाइनल डिटैचमेंट, रेटाइनल डिटैचमेंट। रेटाइनल डिटैचमेंट का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रेटाइना फ्रॉम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन इनर और मिडल लेयर। इनर और मिडल, इनर का नाम है रेटाइना, मिडल का नाम है कोरोइड। दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो रेटाइना अपनी जगह से सेपरेट हो जाती है, उसको हम रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं। और रेटाइनल डिटैचमेंट में ट्रीटमेंट में हम लोग क्रायोसर्जरी करते हैं। और क्रायोसर्जरी में कौन सी गैस यूज करते हैं, नाइट्रोजन। यहां मैंने लिखा है स्टोरेज ऑफ सेल और टिश्यूज में भी नाइट्रोजन का यूज करते हैं। यदि लेबोरेटरी में सेल और टिश्यूज का स्टोर करना है तो भी नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन, हीलियम। देखिए डियर, ब्राउन कलर का होता है और हीलियम का यूज हमेशा MRI मशीन में किया जाता है। हीलियम जो है इसका यूज किसमें करते हैं हम लोग, MRI मशीन में हीलियम गैस का यूज करते हैं टू डिटेक्ट इमेज। एक और लास्ट स्पेसिफिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2। देखिए डियर,
CO2 को हमेशा अपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जब बैरियम मील देते हैं या बैरियम एनीमा देते हैं तब भी CO2 को एडमिनिस्टर करके इंटेस्टाइन को फुलाया जाता है, वहां पर भी CO2 यूज करते हैं। किसमें? बैरियम मील में और बैरियम एनीमा में। और यहां पर लेप्रोस्कोपी का मतलब दूरबीन वाला जो ऑपरेशन होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, CO2 एडमिनिस्टर करते हैं। गैस जो है नॉर्मली CO2 3 to 4 liter एडमिनिस्टर करते हैं, 3 से 4 liter। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कौन सी गैस यूज करते, तो आपका आंसर क्या लिखना है, CO2। कितना एडमिनिस्टर करते हैं, 3 to 4 liter। अब बात आती है कि CO2 वाले सिलेंडर का कलर कैसा होगा, ग्रे कलर। देख सकते हैं आप यहां पर ग्रे कलर, मैंने अलग अलग सिलेंडर का कलर बताया आपको, ग्रे कलर। और ग्रे कलर क्या इंडिकेट करता है, सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, CO2। क्या भरा हुआ है, CO2। तो ये थिंग इट विल बिलोंग फ्रॉम द ऑक्सीजन थेरेपी, जिसमें मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 है, ये अलग हीलियम है, मैंने आपको गैसेस बताई जिसमें वन लाइन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपको JNC पे क्लासेस जो ली जा रही है आपको अच्छी लगे, आप सेटिस्फाइड है, तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।